मॉर्निंग। कल हमने ऑस्मोसिस जनरल कैरेक्टर्स पर बात की थी, आज हम उसके टाइप्स पर बात करते हैं। ऑस्मोसिस में दो कॉमन टाइप्स हैं, एक्स ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस। क्लियर है? ऑस्मोसिस में हमने ये कहा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज थ्रू द SPM, वो सॉल्वेंट का होगा और वो एक डिफ्यूजन जैसा ही प्रोसेस है, बस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलग है। एक्स और एंड ऑस्मोसिस में फर्क इस बात को लेकर है कि किसी सेल को किस सिस्टम में रखा जाएगा। फर्स्ट केस में अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल्युलर सिस्टम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। दूसरे केस में सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए, यानी ऐसा सिस्टम जिसका कॉन्सेंट्रेशन सेल्युलर सिस्टम के मुकाबले कम होगा। फर्स्ट केस में क्योंकि बाहर की तरफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेल, सो वाटर विल स्टार्ट टू मूव आउट। हियर इन दिस केस वाटर मूव्स आउट, इन अदर केस वाटर मूव्स इन। हम डिफ्यूजन में पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। सो इफ दिस इज हैपनिंग इन फर्स्ट केस द सेल गेट्स श्रिंक, इन अदर केस द सेल गेट्स स्वेल, फूल जाएगी एक कोशिका। ये दो सिंपल तरीके हैं। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे फर्स्ट केस के लिए अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट केस में एक कॉमन एग्जांपल है कि अगर मैं ग्रेप्स को एक कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन में रखूंगा तो थोड़ी देर में अंगूर सिकुड़ने लगेगा। सेकंड केस में अगर किशमिश को पानी में रखा जाए तो किशमिश थोड़ी देर के बाद फूलना शुरू कर देती है। ये एक सिंपल टॉपिक है, इतनी जानकारी हमें इसकी होना आवश्यक है। इन दोनों के अलावा एक और वर्ड है जिसे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहा जाएगा। इस केस में सॉल्वेंट सिंपल सॉल्वेंट नहीं होगा, यहां पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा, लेकिन उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। जैसे मान लीजिए मैं NaCl की बात करूं कि एक NaCl सॉल्यूशन है, मान लीजिए इस NaCl के मेरे पास 100 मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं और इन्हें मैंने वाटर में सोल्यूबिलाइज किया, इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया मैंने जिसमें 100 मॉलिक्यूल थे। जब पानी में ये घुलने लगेगा तो इसके साथ एक इशू होगा, ये आयोनाइज होगा। जब ये आयोनाइज होगा तो अंडरस्टूड है, क्योंकि कुल 100 मॉलिक्यूल्स अवेलेबल थे, सो नाउ 100 आर हियर एंड 100 आर हियर।
यानी इनिशियली जो कॉन्सेंट्रेशन 100 मॉलिक्यूल NaCl का था, अब सॉल्यूशन बन जाने के बाद उसमें सॉल्यूट के 200 मॉलिक्यूल आ गए, क्योंकि आयोनाइजेशन की टेंडेंसी है। यानी वो वाटर मॉलिक्यूल जो इसको घोलने के लिए अवेलेबल थे, अब वो वाटर मॉलिक्यूल का नंबर मुझे डबल चाहिए होगा, इससे बॉन्ड बनाने के लिए भी और इससे बॉन्ड बनाने के लिए भी डबल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी। फिर से बात करते हैं, अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल NaCl के हैं तो आयोनाइजेशन के बाद Na और Cl अलग हो जाएंगे, और अलग होने से 100 मॉलिक्यूल हो गया, यानी इन दोनों से अलग अलग अटैच होने के लिए रिक्वायर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर अब डबल चाहिए होगा, यानी डिमांड ऑफ वाटर जो होगी वो अब डबल होगी पहले के कंपैरिजन में। इस बात को हम फैक्ट्स में लिखें तो हम ऐसा कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की क्या टेंडेंसी होगी। पहला प्रॉपर्टी, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयोनाइजिंग टेंडेंसी पाई जाएगी। इस वजह से क्या होगा, अंडरस्टूड है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा, 100 मॉलिक्यूल NaCl से 100 Na और 100 Cl हो गए अलग, यानी कुल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का नंबर अब 200 हो गया। इससे क्या होगा, जो पानी अब इनसे अटैच होने के लिए चाहिए था, जिसे हम कहते हैं वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन, अंडरस्टूड है, उसका मतलब उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, जो अब इन Na और Cl के अलग अलग आयंस के साथ अटैच होने वाला है, उन वाटर मॉलिक्यूल्स का नंबर भी अब बढ़ जाएगा। इसलिए किसी सिंपल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में ऑस्मोटिक प्रेशर, अभी हम आगे बात करते हैं या सिर्फ वर्ड इंट्रोड्यूस कर लें, किसी सिंपल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में डिमांड ऑफ वाटर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की हमेशा ज्यादा होगी, जैसा इस फैक्ट से नजर आ रहा है। यानी किसी सिंपल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर 2 गुना या उससे भी ज्यादा होता है। फैक्चुअली हमें याद रखना चाहिए, क्यों, रीजन यहां पर क्लियर है कि ऐसा क्यों होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर एक सिंपल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में 2 गुना या उससे भी ज्यादा पॉसिबल है। यह हमने ऑस्मोसिस को लेकर सिंपल फैक्ट्स पर कुछ बात की है। अब इसी से रिलेटेड है, जिसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कह रहे हैं, उस पर भी चर्चा करें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, हम इसकी डेफिनेशन बाद में समझें, पहले हम एक सिंपल फैक्ट देखें। यदि एक बीकर लिया जाए और उस बीकर में फनल को इन्वर्ट कर दिया जाए, उल्टा रख दिया जाए, इसे हम इन्वर्टेड फनल एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और इस फनल के मुंह पर यहां एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी जाए, दोनों जगह पर हमने यही पुट किया, अंदर मेरे पास यहां वाटर मॉलिक्यूल है, दोनों तरफ का लेबलिंग कॉमन है, दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल है, और यहां दोनों ही जगह पर मेरे पास एक शुगर सॉल्यूशन है,
अंडरस्टूड है, एक सॉल्यूशन को हमने वाटर मॉलिक्यूल से सेपरेट किया है थ्रू एसपीएम, अंडरस्टूड है। अब वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी अंदर सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा और इस मूवमेंट को हमने एंड ऑस्मोसिस नाम दिया हुआ है। अंडरस्टूड है, जब एंड ऑस्मोसिस होगा तो ये पानी अंदर की तरफ मूव करेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लीजिए मैंने फर्स्ट केस में जो शुगर का लेवल है उसे ए पर मार्क किया हुआ है, फर्स्ट केस में शुगर का लेवल हमने ए पर मार्क किया हुआ है। सेकंड केस में ये सॉल्यूशन इनिशियली लेवल ए पर था, पर जब एंड ऑस्मोसिस हुआ तो एंड ऑस्मोसिस के कारण जब पानी अंदर गया तो लेवल ऊपर बढ़ा, जिसे मैंने अब बी मार्क किया है। ए से बी के बीच की ये जो दूरी है, ये दूरी मुझे क्या बता रही है? ये बता रहा है कि कितना पानी अंदर गया, अमाउंट ऑफ एंड ऑस्मोस वाटर मुझे ए से बी की ओर पता चल रहा है। सिंपल सी बात समझे आप, यहां कितना पानी था आई न्यू इट इनिशियली, मुझे शुरू से पता है कि यहां मैंने कितना पानी लिया, कितना पानी अंदर गया वो मुझे यहां से मालूम पड़ जाएगा कि ए से बी का बीच का डिस्टेंस कितना है। यानी इनिशियली वाटर टेकन आई नो हाउ मच वाटर एंटर्ड थ्रू एंड ऑस्मोसिस, दैट आई ऑल्सो नो, बट वॉट आई डू नॉट नो इज वाट प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर एंट्री ऑफ दिस वाटर, कितना प्रेशर आवश्यक था इस जल को बीकर से सॉल्यूशन की तरफ ले जाने में, वो मुझे नहीं पता। हम इस सेटअप को थोड़ा चेंज करें, वही डायग्राम हम फिर से लेते हैं, वही शुगर का सॉल्यूशन मेरे पास है, वही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेरे पास है और वही लेवल ए, यानी मैंने यही सेम डायग्राम यहां पर वापस ड्रॉ किया। जब मैंने ये सेटअप लगाया तो अंडरस्टूड है एंड ऑस्मोसिस होगा और उतना वाटर अंदर मूव करेगा, लेकिन अब मैं इसमें कुछ डिफरेंट करता हूं और डिफरेंट ये करूं कि अगर मैं यहां पर एक पिस्टन अप्लाई करूं, प्रेशर अप्लाई करूं, कहां अप्लाई कर रहा हूं? सॉल्यूशन पर, जो यहां सॉल्यूशन भरा हुआ है इस पर मैंने प्रेशर अप्लाई किया। मैं इतना प्रेशर अप्लाई करूं कि ना तो शुगर सॉल्यूशन यहां से बाहर आ पाए और ना वाटर का कोई मॉलिक्यूल अंदर जा पाए। याद रखें, इतना प्रेशर हो कि ना तो शुगर बाहर आए और ना वाटर अंदर जाए, तो मुझे एग्जैक्टली वो डिमांड मालूम पड़ेगी जो इस पानी को लाने के लिए जरूरी थी। अंडरस्टूड है, मैं ऐसा करूं कि अगर मान लीजिए यहां पर 10 ml पानी अंदर आया, तो अगर मैं पानी का अंदर आना बिल्कुल रोक दूं तो अंडरस्टूड है मैं उतना प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं जो उस पानी को नहीं आने दे रहा, और जब मैं ये पिस्टन यहां से हटाना शुरू करूंगा, यहां से अगर मैं इस पिस्टन का प्रेशर हटाना चालू करूं तो पानी अंदर आना शुरू हुआ। मान लीजिए यहाँ 10 ml पानी अंदर आया था और यहाँ मैं 10 ml पानी को अंदर आने दूँ पिस्टन को हटाकर, तो अंडरस्टूड है मुझे वो प्रेशर कैलकुलेट कर सकूँगा मैं जो इस पानी को अंदर लाने के लिए आवश्यक था। यानी ये पिस्टन से लगाया हुआ जो प्रेशर है
वो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी डिमांड ऑफ वाटर के इक्विवेलेंट होगा। मैंने यहाँ पानी आने से रोका हुआ है, लेकिन अगर मैं पानी आने दूँ उतना ही जितना यहाँ आया है, तो अंडरस्टूड है जो प्रेशर हटा है वो इसके इक्विवेलेंट प्रेशर था जो एक्चुअली मैंने पहले से पुट किया हुआ था। बाय डेफिनेशन ऑस्मोटिक प्रेशर उसे कहेंगे जो इस डायग्राम में है। एक ऐसा प्रेशर यानी जो मैंने पिस्टन से लगाया, एक ऐसा प्रेशर जो सॉल्यूशन पर लगाया जाएगा और वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल को अंदर ना आने दे, यानी अ पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थ्रू द सेमी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन। अगेन अ प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन दैट स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर टूवर्ड्स द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। वास्तव में ऑस्मोटिक प्रेशर वो है जो इस वाटर को एंटर करवा रहा है, पर उसे कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं है। कैलकुलेट करने का तरीका ये है, इसलिए डेफिनेशन में हम ऐसा लिखते हैं कि वो वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री को प्रोहिबिट करता है, बट वास्तव में ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए लिखा जा रहा है। अदरवाइज बाय डेफिनेशन वो वाटर की एंट्री को यहाँ अलाउ करता है। इससे हम एक फाइनल डिडक्शन ले सकते हैं कि अगर मेरे पास दो सेल हैं, एक सेल ए और एक सेल बी, एक सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर लो है और दूसरी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। मैंने क्या कहा, जिस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा अंडरस्टूड है उसकी डिमांड ऑफ वाटर भी उतनी ज्यादा होगी। अंडरस्टूड है, यहां जब हमने अप्लाई किया कि सॉल्यूट ऐड किया तो ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रो करना शुरू किया, पर जैसे जैसे मैं सॉल्यूट ऐड करता गया ऑस्मोटिक प्रेशर का अमाउंट बढ़ता चला गया। इस केस में फाइनली वी कैन डिड्यूस दैट वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम अ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर कंडीशन टू द हायर ऑस्मोटिक प्रेशर कंडीशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।